हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, 12 तारीख को मैथ का पेपर है। हम यहाँ आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, उनको उनके बारे में हम जानते हैं, उसको हम देखेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम जानेंगे, ना कि हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए डिस्क्राइब करने कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, मॉडल मॉडल को पेपर बताएंगे, एक तरीके से मॉडल पेपर क्या होता है, कैसे आएगा क्वेश्चन, वो पढ़ के जाना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। जैसे साइंतीस कॉस 45 माइनस साइन 45 कॉस 30। अब हमसे पूछा है इसकी मान बताओ, इसका क्या पूछा है, इसका मान बताओ, क्या पूछा है, मान बताओ। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो पहले तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 कॉस 45 का, साइन 45 का, कॉस 30 का, तो मान पता होना चाहिए। अब मान पता होने के लिए तो हमें सारणी याद होनी चाहिए। सारणी याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। लिखते हैं 0, 30, 45, 60, 90। अगर हमें साइन का याद है, अगर साइन की सारी वैल्यू याद है, तो हम किसी भी की वैल्यू बता सकते हैं। चलिए हम साइन का पहले निकाल के बता देते हैं कैसे। साइन का याद कर लो, निकालना क्या है, साइन 0 अंश का मान 0 सबको पता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, इतना तो याद ही कर सकते हो क्योंकि एग्जाम है, आप लोगों का पता ही है, 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1, क्या होता है, ये नॉर्मल है, याद कर लो क्योंकि एग्जाम पास में निकालना बहुत निकाल के बताएंगे तो टाइम लगेगा, याद कर लो। इसी तरह हम कास का करते हैं। अब कास का निकालने के लिए सबसे आसान है, कैसे, देखो अगर हमें साइन 90 अंश का मान पता है तो कास 0 अंश का मान पता है, जो साइन 90 अंश का मान होगा वही कास 0 अंश का मान होगा। अब साइन 90 अंश का मान कितना है, 1, तो कास 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर हमें साइन 60 अंश का मान पता है तो कास 30 अंश का मान पता है, कैसे, जो साइन 60 का होगा वही कास 30 का होगा, कैसे, देखो साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2 यहाँ पे लिखा है, तो कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2। इसी तरीके से अगर साइन 45 अंश का मान पता है तो कास 45 अंश का मान पता हो जाएगा, क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि साइन 45 अंश का मान 1/√2 है, तो कास 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। इसी तरीके से हम कर लेंगे साइन 60 अंश का मान क्या है, जो कास 30 का होगा, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2, इसी तरह कास 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब साइन 0 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान कितना है, 1, और साइन कास 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 अंश का मान उल्टा चल रहे हैं, देखो 90 1, अब साइन 90 अंश का मान 1 है तो कास 0 अंश का मान कितना, 1 है, तो इसी तरह ये लास्ट में चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया याद करने का, अगर तुम्हें ये वाला याद है साइन वाला, तो कास वाला आराम से उसी का उल्टा है, जस्ट अपोजिट कर दो उल्टा, देखो साइन 90 अंश का मान 1, तो साइन 90 अंश का मान 1 है तो कास 0 अंश का मान 1 होगा, साइन 30 अंश का, साइन 60 अंश का मान √3/2 है, तो कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान 1/2, 1/√2 है, तो कास 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। इसी तरह सारे उल्टे हैं, अगर हमें साइन 30 अंश का मान है तो उल्टा चले आओ, बस जैसे यहाँ से गए यहाँ से वापस आ गए, इसी तरीके से ये याद हो जाएंगे। अगर साइन और कास का पता हो गया तो हम किसी भी, चाहे टैन का हो, चाहे काट का हो, चाहे कॉसेक का हो, चाहे सेक का हो, किसी का भी हो, निकाल सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो इतना याद रखना,
क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो वहाँ याद रहेगा तभी कर पाओगे, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा। याद कर लो चाहे रट लो चाहे दिमाग लगा के पढ़ लो। चलिए हमसे लिखते हैं साइन तीसंस का मान क्या हो जाएगा, एक बटे दो। अभी निकाले थे क्या निकाले थे, साइन तीसंस का मान कितना निकाले थे, एक बटे दो। और इससे कॉस पैंतालीस अंश का मान क्या हो जाएगा, कॉस पैंतालीस अंश का मान क्या हो जाएगा, एक बटे अंडर रूट टू। इसी तरह माइनस बीच में तो माइनस लगा देना, साइन पैंतालीस अंश का मान क्या हो जाएगा, एक बटे अंडर रूट टू। सबका मान पता है तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह कॉस तीस अंश का मान कितना हो जाएगा, एक बटे कॉस तीस अंश का मान क्या होता है, रूट थ्री बाई टू होता है। जो कॉस साठ साइन साठ का मान होगा वही कॉस तीस अंश का मान होगा। अब हमारी चीजें इतनी चीजें होगा, इसके आगे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अभी देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं तो समझो मल्टीप्लाई का चिन्ह, क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई सबको भिन्न का आना चाहिए, ऊपर का ऊपर करते हैं नीचे का नीचे करते हैं, एक एक कम एक। दो में अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट टू होगा, टू अंडर रूट टू हो जाएगा। माइनस यहाँ भी ऐसे होगा, वन का रूट थ्री में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। किसी संख्या का एक में मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आती है। वैसे यहाँ करेंगे जैसे यहाँ करे किए थे, टू अंडर रूट टू हो जाएगा। अब देखो भिन्न वाला प्लस माइनस भाग जोड़ घटाना ये तो आना चाहिए आप सबको, क्योंकि आप टेंथ में पढ़ रहे हो। तो यहाँ देखते हैं, देखो हर बराबर है, जब हर बराबर है तो क्या करेंगे, जब हर बराबर होते हैं तो उनको एक बार लिख दिया जाता है, ऐसे एक बार लिख दिए जो ऊपर वाली संख्या उनको लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल, एक नंबर देखे जाएगा आराम से। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका मॉडल पेपर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 8 a बराबर 8 साइन a sec। तो मान पूछा किसका, साइन a sec का मान पूछा। इसको कैसे करेंगे, ये सबसे आसान है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो सबसे आसान है करने का तरीका। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखो काट ए बराबर 15 काट ए बराबर 8, तो ऐसे लिख लो 15 काट ए, 15 काट ए बराबर 8। देखो हम 15 को इधर भेज सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई में इधर है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे 15 ये होगा। अब 8 बटे 15, हाँ ये भी पता है काट ए बराबर क्या होता है, अगर काट ए बराबर हम देखें तो क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है लंब, कर्ण नहीं होता, आधार बटे लंब होता है। और पता है क्या होता है, अगर आधार बटे लंब होता है ये पता है, और ये भी पता होगा क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए, ये भी होता है, होता है ना, हाँ होता है। अगर ये पता तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर मुझे कॉस ए का मान पता है, अब कॉस ए का मान कितना होगा, 8, और साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 15। साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 15। इस तरीके लगा लो, नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका बता रहे, छोड़ दो यहीं पे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको छोड़ो यहाँ पे, दूसरे तरीके से। देखो आधार और लंब पता चल गया, हम कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये पता है साइन ए बराबर क्या होता है, पहले ये तो देख लो, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और सेक ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार ये पता चल गया, अब हमें मिसिंग क्या है, हमारे पास लंब की वैल्यू है, आधार की वैल्यू है, तो मिसिंग क्या है, कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण हमें निकालने के लिए पता है कि क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
क्या होगा, आधा स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके आगे क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए हमें आधार पता है, आधार कितना आठ, आठ का स्क्वायर कर दो प्लस लंब का स्क्वायर कर दो, लंब कितना है 15, जो जिसके सामने उसकी वैल्यू है, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखो आठ का स्क्वायर क्या होगा, आठ अठाई 64, क्या हो जाएगा 64। अब 15 का याद होना चाहिए, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 15 पंद्रह 225, क्या होता है 15 पंद्रह 225। अगर हम इनको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 549 6282 का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिखा था, अंडर रूट 289। अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 289। अंडर रूट से संख्या बाहर लाओ, अंडर रूट से संख्या कैसे बाहर लाओगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो किसका ये वर्गमूल है, चेक करते हैं। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ ऐसे पाई खींच लो इसको अंदर, इसको काटो जब तक पूरा कट ना जाए, जब तक एक ना आ जाए, तो इसको काटो। इससे काटेंगे, चेक करने के लिए इसको देखते हैं, 9, 8, 17, 17, 2, 19, ये 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 19, 17, 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
एक विधि और है मैथड, वो है भाग विधि। भाग विधि आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये तो गुणनखंड विधि था, अगर नहीं कट रहा है तो अब संख्या कितना खोजोगे, अब काटोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 इतने इतने खोज पाते हो। अगर नहीं ज़्यादा खोज पा रहे हो तो इसको सबसे आसान तरीका भाग विधि से रहो। भाग विधि क्या होता है, इसमें पीछे से जोड़ा बनता है। अब पीछे से जोड़ा बन गया, एक दो बज गया, अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो किससे भाग करेंगे, भाग करें कि दो से ज़्यादा ना हो, किससे करेंगे, अगर दो का पाड़ा पड़ेंगे तो दो में ही गुणा करेंगे, दो दूनी चार, ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, प्लस एक यहाँ लिखो, एक कम एक, दो में से एक गया एक, आठ, अब दोनों जोड़ो साथ उतर लो नौ, यहाँ कर लो एक एक दो, कितनी बार जाएगा ये चेक करो, कितनी बार जाएगा ये चेक करो, अगर चेक करते हैं तो सात बार जाएगा, क्योंकि 749 यहाँ ना हो तो 7 के बाढ़े भी अगर 749 नौ आ रहा लास्ट में इकाई के स्थान पे, मल्टीप्लाई करना है ऐसे, चेक कर लो इकाई के स्थान पे क्या है, अगर इकाई के स्थान में मल्टीप्लाई करके चेक करना है आपको, चेक करोगे तभी लगा पाओगे, 749 के 9, 7 × 2 = 14, 4 हासिल बचा है, कितना हो गया 18, कट गया पूरा पूरा, मतलब किसका वर्गमूल है 17 का, किसका वर्ग 17 का, तो 279 का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 17, हमें कर्ण बराबर कितना मिल गया 17। अब इसको देखो, हमें जब कर्ण बराबर 17 मिल गया तो हम निकाल सकते हैं साइन ए की वैल्यू, साइन ए लंब हमें पता है, लंब कितना है 8 है, कितना है 8 है, कर्ण कितना है 17 है। इसी तरह अब सेके का मान निकाल सकते हैं, सेके का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 17 है, पता है निकाल लिया है 17। आधार कितना है, आधार निकालने के लिए आधार यहाँ हमारे पास है, आधार कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह आपको ये दो नंबर का क्वेश्चन था, दो नंबर मिल जाएगा आराम से, कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हो। अगर 15 काटे बराबर 8 है तो साइन ए सेके का मान बताओ। अब साइन ए सेके का मान बताना है तो हम सीधा सीधा करेंगे 15 काटे बराबर 8, या 15 को इधर भेज दिए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई भी उधर भी डिवाइड भी हो जाएगा। अब ये हो गया, अब तो काटे बराबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, काटे बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 है। अब हमारे पास मिसिंग क्या है, मिसिंग देखने के लिए साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण नहीं पता है तो हमें पता है सिंपल क्या करते हैं, क्या करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
अब हमारे पास सारी वैल्यू है, आधार कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, लंबा कितना है 15 का स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटा दें। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो नहीं पढ़ा वो भी देख ले तो उसके लिए भी फायदेमंद है, जो पढ़े उनकी बात ही अलग है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हमसे पूछा है मान, क्या पूछा है, 1/sin θ, 1 - sin θ बटे 1 + cos θ, 1 - cos θ का मान बताओ। क्या बताओ, मान बताओ। ये भी सिंपल है, कैसे करेंगे उसी तरीके करेंगे जैसे अभी पहला लगाया दूसरा क्वेश्चन। देखो हमें पता होना चाहिए काट बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है। जब काट थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा 7/8 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हमारे पास मिसिंग क्या है हमें, क्योंकि साइन में लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे मतलब कर्ण निकालना पड़ेगा। अब कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस परमी यूज करेंगे, पाइथागोरस परमी हमें पता है, डायरेक्ट यूज करो या लिख के लगा देना वहाँ पे, पाइथागोरस परमी फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 है ना, जो जिसके सामने हो उसका वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ऐसे लंब कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 7 × 49, 8 × 64, दोनों जोड़ो कितना आंसर होगा, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 10 × 11 113। कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर है, और यहाँ से कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 113। और अंडर रूट 113 आ गया, अब 113 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता कोई। चलो जब नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, आगे इसी पे हल कर लेंगे। चलो साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब 8 है, क्या हो जाएगा, लंब 8 है, तो लंब 8 लिख दिए, फिर क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है, अंडर रूट 113। इसी तरीके से कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार की बात करें तो आधार यहाँ पे 7, लंब कितना है 8, लंब आधार कितना है 7 है, और क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113। यह हमें मिल गया, इसे में उठा के इसको फिट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा दे, पाइथागोरस परमी सब पा रहा है, ठीक है मिटा दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन हल करना है जगह कम है। चलो ये आप देखते हैं क्या हो जाएगा, हमें ये भी पता है, देखो क्या होता है, एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक a-b, तो क्या होता है a² - b² चलो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर - sin θ का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, हमें पता होना चाहिए a² - b² बराबर क्या हो जाएगा, a+b, एक कोष्टक में a-b, देखो उसी फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में है ना,
तो ऐसे कर लेंगे, क्या होगा एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा, कोई मतलब नहीं, बटे यहाँ भी वही काम कर लेंगे, एक माइनस कॉस स्क्वायर। ये फार्मूला, इसके आगे भी फार्मूला था, लेकिन ये फार्मूला तुम्हारे किताब में यूज करने के लिए नहीं बताया सर्व संख्या का, डायरेक्ट हम क्वेश्चन हल करेंगे। चलो यहाँ से कर लेते हैं, वन माइनस देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, आठ बटे अंडर रूट 113। तो यहाँ लिख लो आठ बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर इस पे, इसलिए स्क्वायर यहाँ कर दिए। इसी तरह नीचे का आ जाते हैं, इसी तरीके से वन माइनस, अब कास वाला देख लो कास का क्या आ जाएगा, सात बटे अंडर रूट 113 हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी है। ये होगा, इतना समझ आया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो वन माइनस आठ का स्क्वायर क्या होगा, अट्ठाई चौसठ बटे अंडर रूट 113। अब किसी अंडर रूट संख्या का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कैसे, अगर मान लो अंडर रूट ए है, ए का स्क्वायर करोगे तो ए बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या 113। यहाँ भी वही काम होगा, वन माइनस सत्य उनचास बटे 113। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 113, और यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए हम बटे एक कर दें, क्योंकि अब हर बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे 113 कम 113 यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 64, 164 एम 64 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे भी वही काम होगा, यहाँ भी 113 माइनस 49 हो जाएगा बटे 113 हो जाएगा, 113 कैंसिल हो जाएगा, जो घटेगा घटाने पे आएगा वही आंसर हो जाएगा। 113 में से 64 कटाओ, 13 में से 4 गए 9, 9 4 13, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 100 कितना आ जाएगा 64, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।